जय हिंद बच्चों। तो PMSSB स्कॉलरशिप 2024 एग्ज़ाम के लिए आपसे सबसे ज़्यादा कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे सर। PMSSB यानी कि जो PMSSB स्कॉलरशिप स्कीम 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखें तो PMSSB स्कॉलरशिप 2030 एग्ज़ाम जो है कुछ कारणों से इन्होंने कैंसिल कर दिया था। ये जो परीक्षा है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें जो है इंडिया के सारे जो स्टेट हैं उसके स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप अगर हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 में देखें, 2023 में जो स्कॉलरशिप है कुछ कारणों से इन्होंने स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म जो है टेस्ट रद्द कर दिया था, यानी कि टेस्ट कैंसिल कर दिया था कि अभी इसका टेस्ट नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पर इसकी स्कॉलरशिप आएगी। बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कुछ बच्चों का हुआ था, किसी का फॉर्म अप्लाई भी नहीं हो रहा था, और जो मैंने पता किया तो कुछ जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे उनका कोई भी स्कॉलरशिप का रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली 2023 के बच्चों को। क्या है, 2023 के बच्चों को किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं दी गई। और 2023 में अगर हम लोग देखें, 2023 में आप लोगों का 12 जुलाई को जो है नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस बार जो है आपका 16 अगस्त हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई जो है ऐसी कोई जानकारी अभी तक बाहर आई है कि आप लोगों का जो PMSSB स्कॉलरशिप है एग्ज़ाम 2024 होगा। गूगल पर दिखा रहे हैं 17 अगस्त लास्ट डेट है, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ रहे हैं कि न्यू अपडेट 2024 फॉर्म आ गया है, ऐसी कोई भी जानकारी अभी ऑफिशियल नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि ये स्कॉलरशिप जो है PMSSB स्कॉलरशिप 2024 में फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो अब तक ये फॉर्म आ चुका होता। तो आप लोगों को जो है इस स्कॉलरशिप का कोई भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये स्कॉलरशिप के 99% चांस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, 1% चांस है जो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाए। अगर आपको स्कॉलरशिप में कोई आवेदन करना है तो प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो अमर उजाला की तरफ से चलाई जाती है, ये रियल स्कॉलरशिप है। इसमें आपको जो है 11th 12th के बच्चों को यहाँ पर जो है 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 9th और 10th के छात्रों को यहाँ पर 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अतुल मैस्त्री छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप रियल स्कॉलरशिप है, इसमें उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा जितना आपको PMSSB स्कॉलरशिप में मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको यहाँ पर आना है अप्लाई करने के लिए, आपको सिंपली यहाँ करना है गूगल में सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज का सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको इसके होम पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके होम पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा अतुल मैस्त्री स्कॉलरशिप 2024 फॉर्म अप्लाई एलिजिबिलिटी सिलेबस। यहाँ पर देखो फॉर्म जो है ये ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें जो सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, क्योंकि जो ऑफलाइन सेंटर हैं वो इनके क्लियर हैं, यानी कि इन सेंटरों पर ही परीक्षा होगी। अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी है, जो भी आपको कुछ भी ज़रूरत है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 फॉर्म अप्लाई लिंक। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो अमर उजाला का जो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति फॉर्म है 2024 के लिए आपके सामने जो है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म ऐसे नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ लॉगिन और साइनअप का बटन दिखेगा, क्योंकि मैंने इसमें साइनअप कर लिया इसलिए आपका फॉर्म जो है खुल के आ रहा है। आपको सबसे पहले लॉगिन या साइनअप अपने गूगल अकाउंट से कर लेना है, किसी भी गूगल अकाउंट से कर लेंगे। इसके बाद जब गूगल अकाउंट से साइनअप कर लेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपका एक ही नाम है तो आप लोग दोनों में एक ही नाम फिल कर, जैसे अमन नाम है तो आप अमन अमन दोनों में फिल कर देंगे। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 9th 10th 11th 12th सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग 9th 11th में होंगे जो PMSSB भर रहे होंगे, तो 9th 11th सभी के लिए है। प्रीवियस ईयर के मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पर देखिए पंजाब हिमाचल हरियाणा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड, यहाँ पर इतने बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर के इतने बोर्ड आ रहे हैं। अगर आपका कोई अदर बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड से राजस्थान बोर्ड से, तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पर एड्रेस, स्कूल का नाम, स्कूल एड्रेस, एग्जाम सिटी। अब देखो एग्जाम सिटी में क्या इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर जितने एग्ज़ाम अलीगढ़, प्रयागराज सिटी, अल्मोड़ा, अम्बाला, अमरोहा, आजमगढ़, बांदा, बागेश्वर, बलिया, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बिलासपुर, बुलंदशहर, चंबा, चमोली, चंपावत, चंडीगढ़, देहरादून, देवरिया, धर्मशाला, एटा, इटावा, फैज़ाबाद, फरीदाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, गुरुग्राम, हल्द्वानी, हमीरपुर, हरदोई, हरिद्वार, ये आपके सारे सेंटर्स हैं। यानी कि इन सेंटर्स के अलावा आपकी कहीं परीक्षा नहीं होगी। अब जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे, तो बिहार बोर्ड का यहाँ पर कोई सेंटर नहीं मिलेगा, तो आपके पास आसपास एरिया में दूसरे स्टेट में जो आपके पास पड़ता है उसमें आप कर सकते हैं। देखो, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अदर स्टेट में जाकर आपको अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना होगा। इसमें ये है मध्य प्रदेश या फिर हिंदी, देखो जो हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसका पेपर जो है हिंदी मीडियम में आएगा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जितने बच्चे वो अप्लाई कर सकते, बस इसमें एक शर्त है कि आपको स्टेट के बाहर एग्ज़ाम देने जाना होगा, क्योंकि उनके इतने ही सेंटर हैं जहाँ पर वो परीक्षा करवाएंगे। तो ये तरीका है जो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, यहाँ पर लेटेस्ट मार्कशीट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर यानी पिछली कक्षा की मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी है। फाइल साइज जो फोटो है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। घर का प्रमाण पत्र यानी कि आईडी प्रूफ, यानी कि आप यहाँ पर आधार है वो लगा सकते, क्या कर सकते हैं, आधार यहाँ पर आप लोग जो है अपना लगा सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया है। तो आपको घबराना नहीं है कि सबमिट हो गया, इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली है, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। 1 से 2 दिन में आपके पास ईमेल का कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, अंडर रिव्यू में है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में यहाँ पर देखो आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चंस हिंदी के। सिलेबस की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सिलेबस की वीडियो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो PMSSB स्कॉलरशिप है उसको आप लोग भूल जाइए, स्कॉलरशिप का जो है 99% चांस जा चुका है कि स्कॉलरशिप 2024 में नहीं आएगी। तो आप लोग जो है अतुल मैसूद छात्रवृत्ति में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और सिलेबस की और जो जानकारी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप चैनल पर सारी वीडियो पड़ी हुई वहाँ से आप पूरी जानकारी जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।